गायत्री विद्या मंदिर, उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे भाग अ के अंतर्गत हम हमारे थ्योरी से संबंधित हमारा टॉपिक है न्याय। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने न्याय की जो प्राचीन अवधारणा अरस्तु प्लेटो, फिर मध्यकालीन में जो न्याय संबंधी विचारधारा थी जिसमें ऑगस्टाइन एक्विनास के बारे में देखा, और फिर हमने शुरुआत की थी आधुनिक काल में न्याय के संबंध में या न्याय संबंधी जो भी धारणा है उनका अध्ययन कर रहे थे। तो हमने हमारी पिछली कक्षा में डेविड ह्यूम के मत को स्पष्ट किया था, फिर उसके बाद में उपयोगितावाद के प्रवर्तक या जनक जेरेमी बेंथम अधिकतम वैधता वैधिकतम सुख की बात की, फिर हमने जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता के पर बल देते हुए इसके संबंध में अपने न्याय संबंधी विचार प्रतिपादित किए। ये सब करने के बाद में हम देखते हैं आज जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार। जॉन रॉल एक हमारे समकालीन राजनीतिक विचारक हैं, ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, बेहद विश्व प्रसिद्ध पुस्तक थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने इस न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसलिए कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के रचयिता कौन है, और कई बार पूछा भी गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें जॉन रॉल्स ने न्याय संबंधी अपने विचार को प्रतिपादित किया था। तो देखिए, इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है इसमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। आप समझ गए, सामाजिक न्याय को उन्होंने महत्वपूर्ण आधार मानते हुए इसमें अपना पूरा एनालिसिस किया है। जॉन रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से भी असंतुष्ट थे जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देते थे। अब जॉन रॉल्स क्या करते हैं कि जो भी जो सिद्धांत आए होते हैं किस किस के संबंध में वो खंडन करते हैं, वो जो परंपरागत जो न्याय के संबंध में परंपरागत विचारधारा है या परंपरागत विचार है उससे असंतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं? कि वो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल देते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को बदलने की बात नहीं करते जहाँ पर उनको बदलाव की आवश्यकता है। वे इस बात से भी असहमत हैं जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीति को सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने असहमति जताई है। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की जो बात उपयोगितावादियों अर्थात बेंथम और बेंथम के जो अनुयायी हैं उन लोगों ने बताई है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही मैं न्याय के संबंध समझ सकता हूँ। पर इसको भी उन्होंने त्रुटिपूर्ण माना। किसने? जॉन रॉल्स ने। इसको भी वो खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि ये सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर ताना से स्थापित करता है। कैसे? अब अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, मतलब ये तो नहीं है क्या कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, मतलब कुछ तो बाकी रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख की बात करते हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि राज्य में रहने वाले संपूर्ण लोगों का अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का कल्याण करना, सबका विकास, सबको न्याय, ऐसी बात नहीं करते। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम, इसका मतलब बहुमत का कुछ तो रहेगी पीछे, तो बहुमत का अल्पमत पर तानाशाही की बात करते हैं। तो ये जो भी उपयोगितावाद के संबंध में हो, परंपरागत न्याय के संबंध में, ये सब धारणाओं का खंडन करते हैं। और रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय को दो मौलिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। क्या कहते हैं? पहला तो ये कहते हैं उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में कि अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता आप दीजिए और वो स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बिल्कुल उपयोगी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उस जैसे अन्य व्यक्ति को भी उपलब्ध होती है। जितनी जिसको स्वतंत्रता हो गई, मुझे प्राप्त है, आपको प्राप्त है, सबको प्राप्त होगी, तो हम हमारे समझते हैं कि हमारी क्या सीमाएं, क्या परिधि है। हम हमारी स्वतंत्रता को दायरे में रहते हुए हम हमारे जीवन का अधिकतम विकास, हमारे जीवन का अधिकतम उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, हमारे साथ न्याय की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, उन्होंने बताया है कि व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति स्थापित की जाती है, व्यक्ति और राज्य द्वारा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो व्यक्ति और राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्थापित की जाती है जो सबके लिए कल्याणकारी है। मतलब राज्य ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करे,
ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पैदा करें ताकि जैसे गरीबी है, जो भी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे निजात पाएं और व्यक्ति अपने लिए ऐसे अवसर को मतलब ढूंढे कि जिसमें अपने वो जीवन का, अपने हर स्थिति का वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। सबकी प्रकृति के लिए वो अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। अब देखो अज्ञानता का पर्दा मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये क्या चीज़ होती है? देखो आप समाज के भावी योजना निर्माताओं को नीति निर्माण करते समय इस सिद्धांत के अनुसरण की सलाह दी जाती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत सभी व्यक्ति एक समतल धरातल से अपनी प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। सभी समाज और जीवन की मात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रत्येक अपने नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन अपनी विशिष्ट परिधि में रहकर करते हैं। अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति को अनभिज्ञता से उन्हें ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो नैतिक हो। रोल समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दों को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत नैतिक शक्तियों से संपन्न नैतिक व्यक्ति होता है। मतलब अज्ञानता का पर्दा कोई व्यक्ति को मतलब उन्होंने एक सामाजिक सिद्धांत दृष्टिकोण से इसको समझाने का प्रयास किया है कि हमको हमें ये नहीं पता है कि हमारा हित क्या है। हमको जो उचित लगता है ये कहते हैं ये मेरा हित है, अगला ये कहता है ये मेरा हित है। हमको हमारे जो हित हैं उनकी वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं होता है। हम हमारे हितों की प्राप्ति करने के लिए हम सब काम करते हैं, तो हमारे सामने एक प्रकार का अज्ञानता का पर्दा होता है कि वास्तविक रूप से मेरा क्या हित है और उन हितों की प्राप्ति के लिए मैं किस प्रकार से कार्य कर सकूँ, काम कर सकूँ। इसके संबंध में इसलिए राज्य को उन्होंने बताया है, कहा गया है कि हम सभी का आगे एक अज्ञानता का पड़ता है कि हमें हमारा हित क्या है। और इसके लिए उन्होंने जो समाज की जो भी योजना निर्माता हैं, निर्माण जो नीतियों का निर्माण करते हैं, उस समय उन्होंने इस सिद्धांत का अनुसरण करने की सलाह दी है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि सभी व्यक्ति एक समतल धरातल से अपने प्राकृतिक लक्ष्य निर्धारित करने की चेष्टा करते हैं। मैंने मतलब सबके लगभग एक समाज जैसी स्थिति है, सब अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो सभी व्यक्ति एक लाइन से एक पंक्ति से सब अपने जीवन की प्रगति का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, चेष्टा करते हैं कि मुझे यहाँ ये जीवन में कुछ प्राप्त करना है। तो सभी समाज जो जीवन का मात्र सामान्य जानकारी रखते हैं, सबको बराबर का उसके बारे में जानकारी है, किसी को उसमें कम ज़्यादा की नहीं होती है, सब एक स्थिति में खड़े हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विशिष्ट प्रति में रहकर रहते हैं। मतलब ये भी समझते हैं कि जिस प्रकार से मेरी स्वतंत्रता है, अगले की स्वतंत्रता है, समाज की स्वतंत्रता, मैं सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता का आदर करते हुए और अपनी सीमाओं को, अपनी प्रीति को ध्यान में रखते हुए मैं काम करूं ताकि अगले को भी किसी प्रकार से हो नुकसान नहीं हो, उसकी स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़े, उसके लिए अवसरों की जो संभावना हो खतरे में नहीं पड़े। ठीक है, तो इस संबंध में अपने दायरे में रहते हुए सब काम करते हैं और अपनी विशिष्ट पृष्ठभूमि और स्थिति को अनभिज्ञता से ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो बिल्कुल नैतिक हो, जो किसी का भी उसमें अहित न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जब किसी प्रकार को कोई हमको कुछ जानकारी नहीं होती और हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और सभी व्यक्ति इस प्रकार से करना चाहेंगे तो हम वास्तविक रूप से न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। रॉयल समाज के लिए सबसे औचित्यपूर्ण न्याय के उस सिद्धांत को मानता है जिसमें लोग स्वतः ही अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत नैतिक शक्ति से संपन्न एक नैतिक व्यक्ति होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हित नहीं होता है। सबको सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति है उसमें सही ढंग से और स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपना अपने साथ न्याय की प्राप्ति कर सकता है। तो ये था जॉन रॉल्स का न्याय के संबंध में विचार। अब हम देखते हैं हमारे भारतीय दृष्टिकोण में न्याय इस संबंध में क्या क्या अपना मत है, क्या विचार है। देखिए, मैंने आपको इस मतलब टॉपिक को शुरुआत में कुछ बताया था, एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय दृष्टिकोण करीब करीब प्लेटो के जो जो विचार है उसका काफ़ी मेल खाता है। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की धारणा एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत काफ़ी मिलती जुलती है। हमारी भारतीय धारणा और प्लेटो की धारणा काफ़ी मिलती जुलती है। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा, आप देखो ऐसा है, हमारा देश की संस्कृति, हमारे देश का धार्मिक बहुत कुछ बहुत सदियों पुराना है, बहुत प्राचीन है। प्लेटो तो करीब करीब आज से समझ सकते हो कि 2300-2400 वर्ष पूर्व हुए थे। तो हमने प्लेटो से नहीं बल्कि कहा ऐसा जाता है कि प्लेटो के जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 12 वर्षों का एक उनका जो इतिहास है वो अज्ञात है। लेकिन कुछ विचार ये कहते हैं कि इस 12 वर्ष के दो जो अज्ञात जो इतिहास है, कहा जाता है कि ये कभी मध्य एशिया ही घूमते 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 गंगा के किनारे आया था और यहाँ पर ये भारत भ्रमण किया, तो उन्होंने अपना जो न्याय के सिद्धांत है उन्होंने भारत से ही ग्रहण किया था।
भारत से या भारतीय दृष्टिकोण का, भारतीय इस चिंतन का उन पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत है वो भारतीय धारणा से काफ़ी मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि प्लेटो जब अपनी भारत यात्रा जब की तो उस समय इस विचार से प्रभावित हुए हो और बाद में इस विचार को उन्होंने प्रतिपादित किया हो। धर्म की प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान और निर्दिष्ट कर्तव्यों का विज्ञान कराती है। यानी हमारी जो धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, ध्यान रखना हमारे जो हिंदुस्तान की संस्कृति में वो जो धर्म का शब्द प्रयोग किया जाता है वो अंग्रेजी की रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। धर्म मतलब कर्तव्य पालन। एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो विद्या अध्ययन करें, ईमानदारी से करें, मेहनत करें, ये उसका धर्म है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य है। इसलिए आप समझो कि नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी ऐसा नहीं, वो धर्म नहीं, धर्म का तात्पर्य अपना कर्तव्य पालन। ठीक है, तो धर्म की जो प्राचीन भारतीय अवधारणा है व्यक्ति को समाज में नींद उसके नियत स्थान और निर्दिष्ट कर्तव्यों का विज्ञान कराती है, उसको एहसास कराती है कि हाँ मेरे क्या कर्तव्य है। ये अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है और इसी आधार पर ही समाज में हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराता है। व्यक्ति के अधिकारों और विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में नहीं है। आप देखते हैं कि मनु कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जब प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीति को सामाजिक थी, वे भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार कर लिया गया। मनु कौटिल्य दोनों ने ही न्याय को निष्पक्षता, न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था के आधारभूत प्रवृत्ति को माना है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्तव्य पालन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भारतीय विचार को इस प्रकार से दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। अब हम देखते हैं कि न्याय के जो विविध रूप हैं, किस किस आधार पर, किन किन आधारों पर न्याय की प्राप्ति हो सकती है और न्याय क्या उसके दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो इसमें अपन देख समझ सकते हैं कि नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, पांच प्रकार के न्याय को अपन हमारे जीवन में इनके जरूरत प्रति उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं मॉरल जस्टिस अर्थात नैतिक न्याय। न्याय की मूल धारणा नैतिकता पर आधारित है और सबसे प्राचीन अवधारणों में से एक है नैतिक धारणा, नैतिक न्याय या नैतिक न्याय आधारित धारणा। ठीक है, जिसमें कुछ सर्वव्यापक अपरिवर्तन अप्राकृतिक नियम होते हैं। मतलब जो उसकी न्याय की जो मूल अवधारणा वो नैतिकता है और नैतिकता क्या चीज़ होती है, जो सबके लिए सही हो, सबके लिए उपयुक्त हो, समाज के लिए उपयुक्त हो। और इसमें कुछ ऐसे सर्वव्यापक यूनिवर्सल पूरी तरह से व्यापक अपरिवर्तनीय जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है अंतिम रूप से, इसमें किसी प्रकार का हम फेरबदल नहीं कर सकते, जो हैं वो हैं। जो व्यक्तियों को आपसे संबंधों को निरूपित करते हैं हमारे विभिन्न सामाजिक जीवन में, मनुष्यों के आपसी में संबंधों को निरूपित करते हैं, संबंधों को निर्धारित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना क्या है, नैतिक न्याय है। आई बात समझ में, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार, ये जो कुछ प्रकृति द्वारा निर्मित हैं जिनको हम पालन करते हैं, हमारा समाज पालन करता है, हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं और ये बिल्कुल अपरिवर्तनीय है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है, ये अंतिम और बिल्कुल निर्णायक होते हैं। ठीक है, ये है नैतिक नियम और ये इन पर आधारित जीवन व्यतीत करना क्या कहलाता है, नैतिक न्याय। जब व्यक्तियों का आचरण सदाचारी होता है तो उसे हम नैतिक न्याय की अवस्था कह सकते हैं। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है बिल्कुल इस पर आधारित है, इसी के अकॉर्डिंग है, तो कह सकते हैं कि हम बिल्कुल नैतिक न्याय की प्राप्ति कर रहे हैं, नैतिक न्याय के अंतर्गत हम चल रहे हैं। जबकि उस व्यक्ति का आचरण नैतिकता से बिल्कुल परे होता है, जो नैतिकता के विरुद्ध होता है, समझ गए आप, तो अर्थात कह सकते हैं कि उसे नैतिक न्याय के विरुद्ध माना जाता है जब व्यक्ति का आचरण नैतिकता से परे होता है। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक सभी चिंतक सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता आदि गुणों को नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात अगर आपको एक शब्दों में बोलें तो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित कानून हैं, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित नियम हैं, उन पर आधारित रहते हुए सभी हम मनुष्य सामाजिक जीवन में उन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में जो एक अहिंसा, प्रेम, करुणा, सहृदय, सहनशीलता जैसे गुणों को धारण करते हुए जीवन जीना, सदाचरण जीवन जीना, ये कहलाता है नैतिक नियम, मतलब नैतिकता या तो नैतिक न्याय अपन कह सकते हैं इसको। अगर हम सब इसका पालन करेंगे तो समाज में कह सकते हैं कि नैतिक न्याय की, मॉरल जस्टिस की विद्यमानता है। अगला है कानूनी न्याय।
लीगल जस्टिस। राजनीतिक अवस्था में कानूनी न्याय को न्याय अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें वे सभी नियम और कानून शामिल हैं जिनका नागरिक स्वाभाविक रूप से अनुसरण करते हैं। मतलब ये जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, उसके अंतर्गत ये कानूनी व्यवस्था है, ये कानून पर आधारित होती है, वो न्याय व्यवस्था कानूनी न्याय व्यवस्था कहलाती है। और इसमें सभी प्रकार के नियम और कानून शामिल होते हैं जिनका नागरिक के जीवन में उनका पाला पड़ता है, उसका अनुसरण करते हैं। ये मुख्य दो बातों पर बल देती है, एक तो सरकार द्वारा निर्मित कानून जो न्यायोचित होनी चाहिए, न्याय के अकॉर्डिंग हो, दूसरा सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करने चाहिए, कानून को उल्लंघन की स्थिति निष्पक्ष रूप से दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। मतलब सर्वसहमति से जनता के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, बिल्कुल उनको न्याय प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्मित कानून हो, दूसरा ये बिल्कुल लागू करते समय न्यायपूर्ण ढंग से होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, अमीर गरीब ऊंच नीच इस प्रकार किसी प्रकार के धारणा में न रहकर बिल्कुल सबके लिए समान रूप से कानून लागू करें। और अगर कोई व्यक्ति न्याय का बल कानून का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया जाना चाहिए। दंडित करते समय ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ये व्यक्ति का क्या स्थिति है, इस व्यक्ति को दंडित करना अगर नहीं, कानून का उल्लंघन किया तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। अगला है राजनीतिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय समानता समता पर आधारित होता है। एक राज्य व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय भेदभाव और असमानता को बिल्कुल स्वीकार करता है, यानी राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर देते हुए, सबको समानता के साथ व्यवहार करते हुए, सबको बिना भेदभाव और बिना असमानता के सबको अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी व्यक्तियों को कल्याण पर आधारित होता है। ऐसा न्याय केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। आप किसी अन्य तंत्र में इस प्रकार की मांग नहीं कर सकते, ये न्याय है वो केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए कुछ साधन है, जैसे वयस्क मताधिकार है, विचार भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक पद पर आसीन होने का अधिकार है, अवसर और सभी नागरिकों को समान रूप से प्रदत्त राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान और संविधानिक शासन को आवश्यक माना गया है। किसी विशेष वर्ग और व्यक्ति विशेष को अधिकार प्रदान न करना राजनीतिक न्याय का एक अन्य गुण भी कह सकते हैं। कहने के तात्पर्य सभी व्यक्तियों को जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था जैसे वोट देने का अधिकार है, अपने विचार भाषण अभिव्यक्ति को प्रदत्त करने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों पर बिना किसी भेदभाव आश्रम का अधिकार है, सबको समान अवसर मिले, ये सब कुछ राजनीतिक न्याय के अंतर्गत उनको शामिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है सोशल जस्टिस तथा सामाजिक न्याय। ये बहुत बड़ा एक हमारी सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव देता है। मतलब सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसमें सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव न हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा, ये जो मतलब कृत्रिम जो आडंबर हैं उनको सब दूर करते हुए, सबको समान मानते हुए, सबके साथ समान व्यवहार करते हुए सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो, राज्य द्वारा व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए आवश्यक प्रस्तुतियाँ हो, आवश्यक उसको अपने एक जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके, इसके लिए उसको जो भी आवश्यक परिस्थितियाँ होती है वो सब राज्य विद्यमान करें। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि वे नीति निर्धारण करते समय ऐसे विधेयक और प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समतामूलक समाज के निर्माण में बिल्कुल सहायक हो, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। जॉन रॉल्स आदि ने सामाजिक न्याय का भी उन्होंने विशेष महत्व दिया है, और सामाजिक न्याय के अभाव में स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों का बिल्कुल अर्थ ही नहीं होता है, इसलिए सामाजिक न्याय बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगला जो पांचवा जो है वो है आर्थिक न्याय अर्थात इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना होता है। समाज में जो भी असमानता है आर्थिक स्तर पर कम से कम उनको कम करना, ताकि लगभग सबका जीवन स्तर एक समान एक स्थिति पर पहुँच सके। किंतु व्यवहार में अगर देखा जाए तो आर्थिक समानता लाभ पाना बहुत मुश्किल है, अभी तक भी संभव नहीं हुआ है। तो आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली जो असमानता की है उसको निंदा करता है, तथा गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसको कम करने पर बल देता है। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए और आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को सीमित करने की भी आवश्यकता है। अर्थात राज्य ये है कि हमेशा ध्यान रखेगा अपनी नीति निर्माण करते समय, यहाँ पर अपने लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रतिपादित करते समय, कि जो कुछ करेगा काम तो ये देखेगा कि समाज के जो संसाधन हैं
और उन संसाधनों को किसी एक व्यक्ति विशेष का या समूह विशेष का अधिकार न हो और समाज के जो भी संसाधन है वो उसका उचित वितरण राज्य के द्वारा करके सभी व्यक्तियों को उसका लाभ मिले, सभी व्यक्ति का अपना जीवन स्तर उसके आर्थिक स्थिति में बदलाव हो, यही सबसे बेहतर है। और जो भी खाई है वो खाई को पारने का काम किया जा सके। समाजवादी विचार के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीर के बीच की खाई है उसको अधिक गहरी कर देती है, इसे समाज में और भी वर्ग संघर्ष की स्थिति बनने की संभावना रहती है, जो किसी भी देश के लिए उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सरकार को सबसे उचित कदम उठाते हुए राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक न्याय की स्थापना की और अग्रसर हो। अतः निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है, यद्यपि न्याय के मौलिक स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है लेकिन न्याय का लक्ष्य आज भी वही है जो सदियों पहले था। न्याय के सिद्धांत का मुख्य स्वरूप सामाजिक जीवन में लाभों और दायित्वों का तर्कसंगत वितरण से है। न्याय की चर्चा केवल ऐसे समाज की प्रासंगिक होगी जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों इत्यादि का अभाव हो, जहाँ प्रचलित कानूनों, अधिकारों और संपत्ति संबंधों और नैतिक मान्यताओं की आलोचना करने और उनमें उपयुक्त विचारों की मांग करने की स्वतंत्रता और गुंजाइश हो। कुछ ऐसी प्रणालियाँ भी हो सकती हैं जिसमें न्याय की चर्चा निरंतर होगी। उदाहरण के लिए आप देखें कि शुद्ध शब्दावली प्रणाली के अंतर्गत समाज वितरण के मानदंड पहले से निर्धारित करते होते हैं, वहाँ वितरण के नए मानदंड की तलाश करना आवश्यक है। फिर शुद्ध प्रतिस्पर्धा प्रणाली के अंतर्गत सारा वितरण बाजार शक्तियों की परस्पर क्रियाओं से निर्धारित होता है, अतः जहाँ वितरण के नए मानदंडों को मान्यता नहीं दी जाती, अतः काल्पनिक साम्यवादी समाज के अंतर्गत अभाव की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त होगा, अतः वहाँ न्याय की किसी वैकल्पिक सिद्धांत विचार करना व्यर्थ होगा। जहाँ सबकी आवश्यकता पूरी हो वे वहाँ समाज से अन्याय की समस्या समाप्त हो जाएगी। कहने के तात्पर्य उन्होंने उदारवादी, समाजवादी, साम्यवादी सब अलग अलग विचारधाराओं आधारित जो न्याय की प्रदान की जो प्रणाली है उसके संबंध में सबका उन्होंने खंडन करते हुए स्पष्ट अपना यही उन्होंने कहा है कि जहाँ सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकता पूर्ति हो वही समाज इस अन्याय की समस्या से निजात पा सकता है और इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये था हमने न्याय के संबंध में विचार जो हमने देखे, हमारे प्राचीन अवधारणा प्लेटो रुस्तु, मध्यकालीन ऑगस्टाइन एक्विनास और आधुनिक में देखा हमने डेविड ह्यूम है, जेरेमी बेंथम है, जे एस मिल हैं, जॉन रोल्स हैं, और भारतीय दृष्टिकोण को देखते हुए हमने ये सब इसको स्पष्ट किया और समझा।